ये हमारी होल्ड बार हैंड सीलिंग मशीन है, 12 इंच का साइज है और 10 mm जोड़ी सीलिंग आती है लाइनिंग इम्प्रेशन में। इसमें हमारे पास में डॉट डॉट इम्प्रेशन में भी आता है, अगर आप चाहें तो डॉट डॉट इम्प्रेशन में भी ले सकते हैं। और इसको चलाते कैसे हैं, इसका सीलिंग इम्प्रेशन कैसे आता है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने और दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आपको यहाँ पे एक टेम्परेचर कंट्रोलर होता है, यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेट करना पड़ता है अपने पाउच की माइक्रोन के हिसाब से, जितनी माइक्रोन का पाउच है उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर सेट कर लेना है इसमें। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर ये सीलिंग टाइम होता है, कितनी देर आपको प्रेस करके रखना है इधर। आप इसको 4 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट पे भी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम 3 या 4 पॉइंट पे आप इसको रख सकते हैं मिनिमम। और इसमें ट्रांसपेरेंट पाउच चलता नहीं है, जो हल्का पाउच आता है वो पाउच नहीं चलता, इसको जला देगी मशीन, क्योंकि डायरेक्ट हीटिंग मशीन होती है। मैं आपको सीलिंग चेक करा देता हूँ, सीलिंग कंप्रेशन कैसे आता है। तो मेरे पास में चिप्स का रेफर है, इस पर मैं आपको सीलिंग चेक कराऊंगा, सीलिंग कंप्रेशन कैसे आता है। तो आपको क्या करना है, पाउच लेना है और लगा के मशीन को प्रेस कर देना है। लाइनिंग में इम्प्रेशन आ चुका है, 10 mm छोड़ा दोनों साइड से, कितना बढ़िया सीलिंग इम्प्रेशन आ रहा है, लाइनिंग में इम्प्रेशन। हाथ पीछे रखा है तो पाउच फट जाएगा, बस सीलिंग अपनी जगह से मेंटेन हो जाएगी, वैसे भी करके दिखाते हैं। बस आपको प्रेस कर देना है, उठा देना है, लाइनिंग में इम्प्रेशन आ चुका है दोनों साइड से। ये बस नहीं, नमकीन का दूसरा पाउच है, इसके भी मैं आपको सीलिंग चेक करा दूँगा। पाउच लेना और प्रेस कर देना, लाइनिंग में इम्प्रेशन हो चुका है 10 mm। पाउच फट जाएगा तो सीलिंग अपनी जगह से नहीं हटेगी। एक बार दिखा दो मशीन पर,